उसने रात को बहुत से सितारों और एक चांद के साथ पैदा किया। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग दिन भर खेलकर थक गए होगे, अब खूब आराम करो। मेरे प्यारी और अच्छी बच्चियों और नेक बच्चों, सलाम। कहानी सुनाने वाली ये खाला आज रात फिर एक जंगल के जानवर की कहानी लेकर आई है। क्या तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आज रात हमारी कहानी जंगल के किस जानवर की है? चलो मैं मदद कर देती हूँ। रंग उसका भूरा है, उसके बदन पर बहुत से बाल हैं और उसे शहद बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम समझ गए। आज रात हमारी कहानी छोटे रीच और उसके माँ बाप के बारे में है। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। गर्मी के मौसम में एक दिन छोटा रीच अपनी माँ के साथ पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर रहा था। बच्चों, उस दिन संडे था। छोटा रीच और उसके बाप की छुट्टी थी। छोटे रीच के बाप ने कहा, क्यों ना हम सब जंगल घूमने चलें, उसके आसपास के मंजर को भी देख लेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। बच्चों, रीच अपने बाप की बात सुनकर बड़ा खुश हो गया। वैसे ही जैसे तुम लोग घूमने या पार्क जाकर बहुत ज्यादा खुश होते हो और तुम्हें मजा आता है। छोटे रीच की माँ भी उसकी खुशी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, मैं भी खाने का सामान तैयार करके बास्केट में रखती हूँ। छोटे रीच, तुम भी जाकर चटाई ले आओ। थोड़ी देर में सब कुछ तैयार था। बच्चों, छोटे रीच ने सोचा, काश उसके दोस्त भी उसके साथ होते तो उसके साथ मिलकर खेलते। मगर बच्चों, कुछ ही देर में वो एक अच्छे से और घने पेड़ के साये में जाकर बैठ गए। छोटे रीच की माँ ने सोचा, खाना तैयार कर लिया जाए। उसके लिए छोटे रीच और उसके बाप ने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू किया। लकड़ियाँ जमा हो गईं। छोटे रीच के बाप ने आग जलाने में बहुत ही एहतियात से काम लिया, बच्चों, ताकि आग पेड़ों तक ना पहुँचे, वरना खूबसूरत पेड़ों को नुकसान हो सकता था। इसलिए माचिस की तीली को बड़ी एहतियात से दूर फेंका। उन्हें बड़ा ख्याल था इस चीज का। हमेशा छोटे रीच से कहते थे, हमें जंगल की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। बच्चों, आखिरकार लकड़ियां जल गईं। छोटे रीच ने सोचा, जब तक खाना बनेगा क्यों ना मैं जंगल का चक्कर लगा लूं। उसने अपने बाबा से और माँ से इजाजत मांगी। छोटे रीच की माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन वादा करो ज्यादा दूर नहीं जाओगे और जल्दी ही वापस आ जाओगे, तब हम एक साथ खाना खाएंगे। बच्चों, छोटा रीच उनकी बात मानकर वहां से निकला। पहले नहर किनारे जाने का इरादा किया। जब वो नहर के किनारे से गुजर रहा था, उसने लोमड़ी को देखा जो वहां आग से खेल रही थी। बच्चों, जो माचिस जला जला कर नहर में डाल रही थी। कितने अफसोस की बात थी, लोमड़ी बहुत गलत काम कर रही थी। छोटे रीच ने आगे बढ़कर कहा, ऐ लोमड़ी, तुम बहुत गलत कर रही हो, इससे जंगल को और खुद तुमको भी नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों, वो लोमड़ी हंसी और बोली, क्यों ना करूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम भी आओ, साथ मिलकर खेलते हैं। बच्चों, छोटा रीच ये काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। वो चला जा रहा था। चलते चलते उसकी नजर छोटे खरगोश और बंदर पर गई जो डाल से लटक लटक कर झूल रहे थे, वो भी एक छोटी और पतली सी डाल पर। बच्चों, छोटा रीच बहुत नाराज हुआ। उनके करीब जाकर बोला, ऐ बंदर, तुम गलत कर रहे हो, जरा देखो, देखो तो सही, डाल को कितनी तकलीफ हो रही है। बंदर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, खरगोश की गलती है, उससे जाकर कहो, वो अपने झूले पर मुझे झूलने नहीं दे रहा है।
छोटे रीछ ने कहा, ए बंदर, खरगोश भी गलत कर रहा है। मगर बच्चों, बंदर ने कोई बात नहीं सुनी। छोटा रीछ दोबारा बोला, देखो देखो तो सही, डाल रो रही है, लगता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बंदर बोला, रो रही है, मगर कैसे, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे खेलने दो। बच्चों, छोटा रीछ आगे बढ़ गया। चलते चलते जब वो कुछ दूर पहुंचा, उसने देखा, मेंढक और कछुए को गेंद से खेलते हुए देखा। उनकी गेंद फूलों को लग रही थी और वो लोग फूलों को पैरों से रौंद रहे थे। बच्चों, छोटे रीछ को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ। अब उसने अपने माँ बाप के पास वापस जाने का इरादा किया। उसने दूर से ही अपने माँ बाप को देखकर आवाज देना चाही कि माँ और बाबा, मैं आ गया। बच्चों, यकायक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो आवाज नहर की तरफ से आ रही थी। सारे जानवर एक साथ नहर की तरफ भागे। छोटा रीछ और उसके बाबा भी आवाज सुनकर नहर की तरफ दौड़े। लेकिन बच्चों, जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि लोमड़ी की माचिस से जंगल में एक तरफ आग लग गई है। खुदा का शुक्र था कि आग ज्यादा नहीं लगी थी और जल्द ही बुझ गई। बच्चों, छोटा रीछ खाने के बाद फल खा रहा था, मगर उदास भी था, इसलिए बेख्याली में ही फल के छिलके को दूर फेंकता रहा। छोटे रीछ के बाबा उसके पास बैठे, फिर पूछा, क्या हुआ, कोई बात हो गई है, तुम इतने उदास क्यों हो? हम लोग तो इसलिए आए थे कि तुम्हें अच्छा लगे। छोटे रीछ ने अपने बाप को दिन भर की सारी बातें बताईं। बच्चों, छोटे रीछ के बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों ने गलत किया है, मगर तुमने भी तो गलत काम किया है। छोटे रीछ ने हैरान होकर पूछा, मैंने क्या गलत काम किया? उसके बाबा बोले, तुमने अभी अभी फल का छिलका दूर फेंका है, चलो उठो उठो और जंगल से माफी मांगो। छोटे रीछ ने पूछा, क्या जंगल सुन सकता है? बाबा ने कहा, हाँ सुन सकता है, आजमा कर देख लो। छोटा रीछ खड़ा होकर बोला, मेहरबान जंगल, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी गंदगी नहीं करूँगा। बच्चों, छोटे रीछ ने सारा कूड़ा जमा करके डस्टबिन में डाल दिया। अब वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे और छोटा रीछ सोच रहा था, आज कितने वाकयात पेश आए और सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज रात हमारी कहानी। मालूम हुआ कि जंगल जहाँ हमें एनर्जी देता है, वहीं हमारी आबो हवा को भी साफ बनाता है। खाला के प्यारों, मुझे लग रहा है तुम जमाइयाँ ले रहे हो। दूसरी रात फिर एक नई और अच्छी कहानी होगी।